हेलो एवरीबॉडी, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, क्या कारण है इसका? ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सोचिए इसका क्या कारण हो सकता है, मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है कि जो वाटर है वो न्यूट्रल है। जब वाटर को हम बॉयल करते हैं, पहले आपको कंसेप्ट को पकड़ना होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत ज़रूरी है। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉयलिंग का मतलब है वेपराइजेशन। लेकिन मिल्क के केस में क्या होता है, जब मिल्क को हम बॉयल करना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। लेयर का आने का कारण ये है कि मिल्क इज़ मोर डेंस देन वाटर, उसके कारण उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी एक लेयर बन जाती है। वो लेयर नीचे के मिल्क को वेपोरेट होने से रोकती है। लेकिन जब एक पॉइंट 101 डिग्री पे मिल्क बॉयल होता है, जब 101 डिग्री पे वो पहुंचता है तो वो मिल्क ऊपर की लेयर को पुश करता है, पुश करने के बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है। इसी के कारण वो ओवरफ्लो हो जाता है।